और ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है राइट तो अब देखिए अब हमें अगर इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स निकालने हैं, तो देखिए एंगल वन अगर ये वाली दो इंटरसेक्टिंग लाइंस लगाई जाएं, राइट तो एंगल वन एंगल फोर के वर्टिकली ऑपोजिट है तो फर्स्ट पार्ट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं एंगल वन एंगल फोर के वर्टिकली ऑपोजिट है तो हमने यहाँ लिखा एंगल वन एंड एंगल फोर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और कौन सा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है देखिए ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग थी तो इसका मतलब ये पूरा एंगल किसके वर्टिकली ऑपोजिट है इनके तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल फाइव एंड एंगल टू और थ्री को ऐड करके जो एंगल बनेगा उसका वर्टिकली ऑपोजिट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया इन दोनों को प्लस करके इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट है दैट्स इट अब लीनियर पेयर क्या होता अब लीनियर पेयर क्या होते हैं लीनियर पेयर देखिए ये मान लीजिए ये और ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं क्यों लीनियर पेयर एंगल्स हैं क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं जिनकी कॉमन आम होती है राइट नॉन कॉमन साइड होती है वो अपोजिट होती है राइट right? तो कॉमन साइड कौन सी है कॉमन साइड ये है जिसकी वजह से ये एडजिस्टेंट एंगल्स कहला रहे हैं और नॉन कॉमन साइड एक ये है और एक ये है, side है ये आपस में नॉन कॉमन साइड है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो ये देखिए ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में नॉन कॉमन साइड्स आर द ऑपोजिट रेस राइट तो इस केस में सेकेंड पार्ट में लीनियर पेयर क्या हो गया लीनियर पेयर हो गया हमारा लीनियर पेयर लीनियर पेयर हो गया देखिए अगर वन और फाइव को देखें तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं कॉमन आम होने की वजह से ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनकी नॉन कॉमन साइड ऑपोजिट रे है तो हम हमने कहा एंगल वन एंड एंगल फाइव हमारी लीनियर पेयर है और कौन सा लीनियर पेयर बन सकता है देखिए अगर आप देखेंगे फाइव और फोर हमारा लीनियर पेयर बन सकता है क्योंकि फाइव और फोर एंगल्स हैं जिसकी कॉमन आर्म ये वाली है और नॉन कॉमन रेज ऑपोजिट रेज है राइट right? तो हमने कहा एंगल फाइव एंड एंगल फोर भी क्या है हमारी लीनियर पेयर है फिर से बता रही हूँ लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं जिनकी एक कॉमन आर्म होती है वो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है और जिनकी नॉन कॉमन साइड जो होती है वो ऑपोजिट रेज होती हैं। ऑपोजिट मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, राइट रेज आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ नाउ। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल वन एडज टू एंगल टू गिव रीजन ये बताना है इस फिगर में एंगल वन और एंगल टू क्या एडजस्टेंट एंगल्स हैं या नहीं है तो मैंने आपको बताया था एडजसेंट एंगल्स होते हैं जिनकी कॉमन आम होती है देखिए एडजस्टेंट एंगल्स ये वाले कहलाए थे जिसमें कॉमन आम थी ओ ए बी एंड सी राइट कॉमन आम होती है वो एडजस्टेंट एंगल्स कहलाएँगे लेकिन आप कहेंगे ये भी कॉमन आम है एंगल वन के लिए भी और एंगल टू के लिए भी लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्टेक्स भी सेम है ओ वर्टेक्स है दोनों एंगल्स का इसका भी और इस एंगल ए बी का भी और बी ओ सी का भी लेकिन अगर यहाँ देखें अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ तो ये आएगा ए ओ डी एंड बी तो देखिए हमारा कॉमन वर्टेक्स नहीं आएगा दोनों एंगल्स का इसका आएगा वर्टेक्स ओ और एंगल वन का और इसका वर्टेक्स क्या आएगा डी तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो no,